बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका होस्ट हारून अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आज जिस शख्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं, वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा एसेट बन चुका है। जो कामयाबियां, जो सक्सेस उसने इतनी छोटी उम्र में हासिल की है, वो कोई आम बात नहीं है। ये असल में लगातार 2 साल अपनी टीम को ट्रॉफी जितवाने वाला शख्स और कोई नहीं हो सकता बल्कि शाहीन शाह अफरीदी हैं। खैबर एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाले इस प्लेयर ने करियर के पहले वर्ल्ड कप में ही अपना लोहा मनवाया। जब न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, लगातार 2 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और फाइनल खेला। सर गारफील्ड सोबर्स ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है। ये वो जिसको अल्लाह नवाजता है तो बेतहाशा नवाजता है। 2021 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ जो कारकर्दगी इन्होंने दिखाई, उसका कोई शानी नहीं मिलता। ना सिर्फ इनकी कमेंट्री वो जिसके वो जो अल्फाज थे उसके उस वक्त, उनका कहना था कि दे कांट प्ले हिम, वो इसे नहीं खेल सकते। सर फख्र से ऊँचा हो जाता है जब पाकिस्तान का कोई नाम ऊँचा करता है। KL राहुल और रोहित शर्मा, उनका जादू डिलीवरीज पर आउट होना ज़बरदस्त मंजर था। और अभी अंडर लीग में अपना आप को मनवा रहे हैं। पहले वाइटैलिटी ब्लास्ट में एक ओवर में 4 खिलाड़ियों को आउट किया, फिर 100 लीग में 2 बॉल पर 2 आउट किया। आगे उम्मीद है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप में भी अपना आप मनवाएंगे। अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मैं फिर हाज़िर होऊंगा किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।